हेलो फ्रेंड्स मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्म सॉल्यूशन सीरीज़ नाइन है ठीक है और ये नाइन्थ वाले सीरीज़ में आपको एवरेज के एवरेज के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे कौन से टॉपिक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे एवरेज टॉपिक का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और वो कौन सी बुक की मिलेगा क्वांटम कैट बुक का मिलेगा जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखा गई हो लिखा गई लिखा गया ये बुक है ठीक है तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो होगा वो आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हो एस एस सी का जैसे एस सी जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें चाहे वो कोई भी एग्जाम हो एस बी हो या आई बैंक पी हो क्लर्क हो किसी भी बैंकिंग के सेक्टर का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी ठीक है ना साथ ही साथ जो कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ठीक है तो देखो एवरेज का ये पहला पार्ट वन है ये ठीक है तो ऑब्वियस ऑबियस बात है अगर पार्ट वन यूज़ हो रहा है स्टार्ट हो रहा है तो लेवल वन ही स्टार्ट होगा ठीक है तो लेवल वन से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो को ठीक है और पहले वीडियो में आपको टोटल टेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे ठीक है दस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रहेंगे और उन क्वेश्चंस को बता सॉल्यूशन बताने से पहले मैं छोटा सा एक कंसेप्ट भी आपसे आपके साथ डिस्कस करना करूँगा क्योंकि हो सकता है वो कंसेप्ट जो है मैं बहुत जगह पे लगाऊँ ठीक है ना तो वो कंसेप्ट जब मैं लगाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो वो कंसेप्ट समझने में इसलिए मैं वो कंसेप्ट भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूँगा बिफोर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ठीक है ना तो इसके बाद जस्ट हम लोग थोड़ा सा वो कंसेप्ट देखेंगे ज़्यादा देर का नहीं है कंसेप्ट हो छोटा सा ही कंसेप्ट है बस उसको समझेंगे और उसी चीज को हम लोग यूज़ करेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है उसको मैं अप्लाई करूँगा बहुत ही जगह पे तो आप उस चीज को समझ लेना कि यही कंसेप्ट मैं वहां पर भी लगा रहा हूँ ठीक है ना तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन लेंगे उससे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं ठीक है चलिए हाँ तो दोस्तों कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट से पहले हम जान जाते हैं कि एवरेज होता क्या है देखो एवरेज यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है एवरेज नेवर गिव्स एग्जैक्ट वैल्यूज इट ऑलवेज गिव्स रिलेटिव वैल्यू ठीक है एवरेज जो होता है ना वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता वो कभी भी क्या देगा आपको रिलेटिव वैल्यू देगा ठीक है ना जैसे कि अगर मैं आपको अगर सपोज करूँ जैसे ये जो बताने का जो तात्पर्य मेरा क्या है कि एवरेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा वो हमेशा क्या देगा रिलेटिव वैल्यू देगा जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अगर कुछ बच्चे हैं जैसे कि एक बच्चा है जिसका वेट है आपको चालीस के ठीक है दूसरे का वेट अगर हम मान लेते हैं साठ के है ठीक है और वहीं पर एक और बच्चा है आपका तीसरा बच्चा है आपको सत्तर के है वेट ये सब क्या है वेट है उसका ठीक है और फिर आपका तीस के है ठीक है ऐसी रैंडमली मैं सपोज करो तीस के जी है और फिर आपका एक लास्ट में एक और बच्चा पचास के है ठीक है ये पांच बच्चे हैं जिनका आपको क्या दे रखा गया वेट दे रखा गया सबका क्या दे रखा गया वेट दे रखा गया अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका आ, एवरेज क्या होगा ये पांचों बच्चों का जो वेट है उसका एवरेज क्या होगा तो आप क्या करते हो एवरेज यही बोलता है ना कि टोटल जो भी आपके पास वैल्यूज़ है ठीक है जो भी टोटल वेट दे रखे गए हैं सबको जोड़ दो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल चालीस है साठ है प्लस सेवेंटी है प्लस थर्टी है प्लस फिफ्टी है सबको जोड़ दिया और जितने भी नंबर ऑफ जितने भी लोगों के डेटा यहाँ पे दे रखे गए पांच लोगों के उनको उससे डिवाइड कर दो मतलब पांच से डिवाइड कर दो ठीक क्या हो जाएगा साठ और चालीस कितने हो जाएंगे सौ हो जाएंगे सत्तर और तीस ये भी सौ हो जाएगा कितना हो जाएगा ये ढाई सौ हो जाएगा ढाई सौ और बटे में कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पाँच तो डिवाइड किया तो ये कितना आ गया पचास तो एक चीज़ बताओ यहाँ पे ये यह क्या आ गया हमारा पचास के जो आ गया क्या आ गया हमारा एवरेज वेट आ गया पचास के जी क्या आ गया यहाँ पे एवरेज वेट आ गया तो देखो ना किसी का भी एवरेज वेट के बराबर है सिर्फ एक का इसका बराबर है बाकी किसी का भी बराबर नहीं एक का चालीस है एक का सिक्सटी एक का सत्तर एक का तीस है लेकिन एवरेज वेट कितना आ रहा है आपका फिफ्टी के जी आ रहा मतलब क्या है कि एवरेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा पचास के जी जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा ये रिलेटिव वैल्यू दे रहा मतलब किसी का पचास से ज़्यादा भी हो सकता है किसी का कम भी हो सकता है हो सकता है किसी का पचास के बराबर भी हो ठीक है देख पा रहे हो ना चालीस के जी का जो है उसको अगर एवरेज वेट के बराबर जाना है तो उसको इसमें से जिसका भी ज़्यादा है ना उसको कि उससे क्या करना पड़ेगा उसको लेना पड़ेगा जैसे मैं बोल सकता हूँ साठ के जी से उसको क्या करना पड़ेगा दस के जी अगर वो ले लेता है अगर साठ के जी से चालीस के जी वाला दस के जी ले लेता है ठीक है दस के जी वाला ले लेता है तो इसका भी एवरेज के बराबर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा एवरेज के बराबर हो जाएगा वैसे हर ही हर कोई करेंगे ठीक है एवरेज के बराबर आने के लिए ठीक है तो एक छोटा सा कंसेप्ट था ये और भी एक कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ जिसको हम लोग यूज़ करेंगे कहीं कहीं पर ठीक है तो कंसेप्ट क्या है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना कुछ इस तरीके से आते हैं एक तो आता है आपको इनकमिंग का आता है क्वेश्चन ठीक है और एक क्या आता है आपको आउटगोइंग का आता है ठीक है एक इनकमिंग का आता है एक क्या आता है आउटगोइंग का आता है तो इनकमिंग में क्या है जैसे अगर मैं बोलता हूँ एवरेज वेट हमारा ए है सपोज करके चलिए एवरेज वेट हमारा ए है एवरेज वेट हो गया हाइट हो गया कुछ भी हो सकता है ठीक है एवरेज वेट हमारा हम वेट लेके चल रहे हैं एवरेज वेट हमारा ए है अगर उससे कोई ज़्यादा वेट लेकर आ रहा है उससे कोई ज़्यादा वेट लेकर आ रहा है तो हमारा वैल्यूज़ जो होगा जो एवरेज होगा वो क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा इस बात को ध्यान रखिएगा क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति एवरेज एवरेज वेट के बराबर ही वेट लेकर आ रहा है तो क्या रहेगा नो चेंज होगा क्या होगा आपको नो no चेंज होगा ठीक है कोई भी चेंज नहीं होगा ठीक है लेकिन जब एवरेज वेट से कम वेट लेकर कोई आ रहा है ठीक है एवरेज वेट से कम वेट लेकर आ रहा है तो एवरेज में क्या होगा आपको डिक्रीज होगा उतने से सब में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा इस बात को समझिएगा फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ इनकमिंग के केस में क्या होगा कि एवरेज वेट के से अगर ज़्यादा वेट लेकर कोई व्यक्ति इंटर कर रहा है उस ग्रुप में तो एवरेज वेट क्या हो, हो जाएगा उतने से इंक्रीज हो जाएगा उतने से बराबर भागों में सब में इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है लेकिन एवरेज वेट के बराबर ही अगर कोई वेट लेकर आता तो नो no चेंज कोई चेंज नहीं होगा जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहेगा ठीक है, है लेकिन वही अगर एवरेज वेट से कम वेट लेकर कोई आता है तो क्या हो जाता है आपका एवरेज वेट डिक्रीज कर जाएगा ठीक है भाई क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब ये तो हो गया आपको इनकमिंग की बात अब आउट गोइंग का देख लेते हैं आउट गोइंग के केस में क्या होगा मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको समझा दूंगा उसका टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे ठीक है अभी जितना मैं बता रहा हूँ आपको समझो इसको अगर एवरेज वेट से ज़्यादा वेट लेके कोई चला जाता है अगर एवरेज एवरेज वेट से कोई ज़्यादा वेट लेकर अगर चला जाता है तो आउट गोइंग के केस में क्या होगा आपको डिक्रीज होगा एवरेज वेट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है अगर एवरेज के वेट के बराबर कोई वेट लेके जाता है तो ग्रुप छोड़ता है, है।, है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नो चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर यही एवरेज वेट से कम वेट लेकर कोई जाता है तो इंक्रीज़ हो जाएगा क्या हो जाएगा एवरेज वेट उतने से इंक्रीज़ कर जाएगा ठीक है भाई देख रहे हो आउट गोइंग के केस में क्या हो रहा है ठीक उल्टा हो रहा है इनकमिंग का ठीक है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है अब एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा इसको हम लोगों को यूज़ कैसे करना ठीक है अगर सपोज करो कि नौ लोग हैं कितने लोग हैं नौ लोग हैं जिनका एवरेज वेट एवरेज वेट अगर हमने माना एवरेज वेट कितना है आपका उनका एवरेज वेट है अड़तीस के जी कितना अड़तीस के जी नौ लोग हैं जिनका एवरेज वेट कितना अड़तीस के जी है ठीक है अब उस ग्रुप में एक व्यक्ति और इंटर करता है उस ग्रुप में एक और व्यक्ति उसमें एंटर करता है और उसका वेट है आपको फिफ्टी एट के जी कितना है फिफ्टी एट के जी ठीक है तो देखो अब क्या बोल रहा है कि देखो सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है नौ लोग हैं नौ व्यक्ति हैं जिनका एवरेज वेट कितना आपको अड़तीस के है अब उसमें एक अंठावन का आदमी उस ग्रुप में एंट्र करता है तो बताओ न्यू एवरेज वेट क्या हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं भैया है हम क्या करेंगे इसको नौ से गुना कर देंगे ठीक है फिर उसको फिफ्टी एट से जोड़ देंगे फिर उसको दस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज एवरेज वेट आ जाएगा लेकिन हमने ये नहीं चीज़ नहीं करना अब यही ट्रिक मैंने जो आपको यहाँ पे बताया उसको यूज़ करेंगे देखो ये अड़तीस के उससे देखो यहाँ पर फिफ्टी एट के जी फिफ्टी एट के जी क्या है ज़्यादा है ज़्यादा है ना तो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इनकमिंग कोई आ रहा तो इसका मतलब एवरेज एवरेज भी क्या होगा इंक्रीज़ करेगा अड़तीस से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा अच्छा कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे फिफ्टी एट माइनस थर्टी एट कितना ज़्यादा है ट्वेंटी ज़्यादा है ठीक है अच्छा एक जब इसमें ऐड होगा एक आदमी बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा दस तो दसों में क्या होना चाहिए बराबर भाग से बढ़ जाना चाहिए मैंने आपको पहले ही बताया एवरेज नेवर गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू इट ऑलवेज़ गिव्स रिलेटिव वैल्यू ठीक है तो दसों में तो बराबर से बढ़ जाना चाहिए दसों में बराबर कितने से बढ़ जाएगा मतलब दस से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया कितना बच गया यहाँ पे दो ठीक है एवरेज वेट कितना था इसका अड़तीस अड़तीस में दो जोड़ दिया कितना हो गया चालीस अब न्यू एवरेज वेट क्या हो जाएगा चालीस के हो गया क्वेश्चन बन के आंसर आपका बन के तैयार है ठीक है तो देखो ये चीज़ कहाँ पे लगाना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा हर जगह ये चीज़ नहीं लगेगा हर जगह इस चीज़ को लगाना भी नहीं है कहाँ पे लगाना है ये चीज़ मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनता पहले तो ये चीज़ जान जाओ और अपना कंसेप्ट को एकदम हमेशा क्लियर रखो ठीक है चलिए शुरू करते हैं अब सवाल लेते हैं आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जब मैं लगाऊंगा तो और भी अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल लेते हैं पहला सवाल लेते हैं अब हाँ तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है तो पहला सवाल क्या है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स इज फोर्टी फाइव के जी इन न्यूटूडेंट हुएट इज फोर्टी के जी रिप्लेस एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हिंस द एवरेज वेट ऑफ होल क्लासेज डिक्रीजेज बाई वन के जी द वेट ऑफ रिप्लेसूडेंट इज़ देखिये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट सवाल है देखो तो इसमें क्या बोल रहे हैं एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ ट्वेंटी बीस बच्चों का जो क्लास है उसका एवरेज वेट कितना आपको पैंतालीस के जी है ठीक है अब एक बच्चा क्या हुआ ना अब देखो यहाँ रिप्लेसमेंट का ये सवाल है ठीक है अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा ना उस चीज पे आप लगाएंगे देखो कैसे लगाते हैं इसको ए न्यू स्टूडेंट वेट इज फोर्टी के जी रिप्लेस एन ओल्ड स्टूडेंट देखो एक चालीस के जी का बच्चा एक पुराने बच्चे जो बीस वाला जो स्टूडेंट है उस ग्रुप में एक पुराना बच्चा है वहीं पर एक चालीस के जी का बच्चा बाहर से आता है और उसी ग्रुप में से एक बच्चे को क्या करता है रिप्लेस करता है जो ही रिप्लेस करता है तो एवरेज आवरे, वेट क्या हो जाता है आपका होल क्लासेस सारे क्लासेस का एवरेज वेट क्या हो जाता है एक के जी से घट जाता है कितने से घट जाता है एक के जी से घट जाता है तो जो रिप्लेस किया गया स्टूडेंट जो बच्चा रिप्लेस हुआ जो पहले से उस ग्रुप में था तो उसका वेट कितना होगा तो देखो एक चीज यहाँ पे समझ में आना चाहिए हम लोगों को समझिएगा कॉमन सेंस लगाइएगा बीस बच्चों का क्लास है ठीक है बीस बच्चों का क्लास है जिनका एव एवरेज वेट कितना आपको पैंतालीस के जी ये क्या है उसका एवरेज वेट है ठीक है अब एक बच्चा उस ग्रुप में घुसा घुसा जो चालीस के जी का रिप्लेस किया एक बच्चे को और सबका घट गया तो इससे यही चीज़ पता चल रहा नहीं कि चालीस के जी से ऑब्वियसली जो बच्चा आया है उसका वेट ज़्यादा होगा तभी तो घट रहा है ठीक है रिप्लेस जो किया तो जो रिप्लेस हो गया बच्चा उसका ऑब्वियस अब आता है वेट ज़्यादा होना चाहिए ठीक है वेट ज़्यादा होना चाहिए कितने से ज़्यादा होना चाहिए चालीस से ज़्यादा होना चाहिए अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वन के से घट गया कितने से घटेगा वन के से मतलब चालीस से ज्यादा तो घटा है बच्चा ना बढ़ा है बच्चा मतलब बीस थे तो बीस ही हुए रिप्लेस किया और सब में कितने केजी से बढ़ेगा वन केजी से बढ़ जाएगा तो कितना हो गया ये चालीस और बीस साठ के न्यू एवरेज वेट क्या हो जाएगा इसका चालीस के हो जाएगा तो C, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों बन गया बहुत सिंपल सा सवाल था ये ठीक है कोई टफ सवाल नहीं था इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हल करना है ठीक है इस तरह के सवाल को चलिए अगला सवाल देखते हैं तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल क्या है लेंथ ऑफ फर्स्ट थ्री फिंगर्स इज three inches and the average length of other two fingers that is thumb and index finger though finger ki bhaturi two fingers thumb and the index finger is 2.8 inches if the length of index finger is uh, index finger is three inches then the length of the thumb is देखो बहुत सिंपल सा सवाल है कोई बड़ा सवाल नहीं है क्या बोला कि तीन फिंगर जो पहले तीन एवरेज लेंथ ऑफ फर्स्ट थ्री फिंगर्स इज थ्री इंचेस एंड द एवरेज लेंथ ऑफ टू फिंगर्स दैट इज थम एंड द इंडेक्स फिंगर तो थम के जो जस्ट बगल में होता है ना वो कौन सा उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं ठीक है तो थम और इंडेक्स फिंगर का कितना आपको टू पॉइंट है ठीक है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा दोनों का अगर मैं बोलूँ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा तो टू इंटू क्या करना पड़ेगा हमको टू पॉइंट एट करेंगे ठीक है कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स टोटल लेंथ ये हो जाएगा अब यहाँ पर क्या बोले इंडेक्स फिंगर का कितना है तीन इंचज है और थम का निकालना है तो ये थम और इंडेक्स फिंगर दोनों का सम है तीन यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तीन यहाँ से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स इंच ठीक है कितना बच जाएगा टू पॉइंट सिक्स इंच तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स सिंपल सा सवाल था इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चलिए अब अगला सवाल देखते हैं देखो अगला सवाल क्या है थ्री टाइप्स ऑफ राइस हुज रेट्स आर थर्टी एट रुपीज़ रुपीज़ फोर्टी थ्री एंड फोटी नाइन पर के जी एंड ब्लेंडेड टुगेदर टू मेक ए फिफ्टीन के जी ऑफ न्यू ब्लैंड ऑफ राइस इन विच देयर आर एट के जी फोर के जी एंड थ्री के जीज ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ राइस द एवरेज प्राइस ऑफ द ब्लेंड न्यू ब्लैंड ऑफ द राइस देखिए यहाँ पर क्या बोला ना कि तीन तरह के चावल हैं हमारे पास एक तो अड़तीस के जी का एक तैंतालीस के जी का है कितना फोर्टी नाइन के जी का है ठीक है और तीनों को मिला के हमको एक पंद्रह के का चावल बनाना है ब्लेंडेड मिला हुआ है जिसमें से पहला वाला जो राइस होगा वो आठ के होगा अड़तीस रुपये वाला दूसरा जो तैतालीस का है वो चार के होगा और जो फोर्टी नाइन का है वो थ्री थ्री के जी होगा रेस्पेक्टिव राइस ठीक है तो एवरेज प्राइस प्राइस बताना है एवरेज प्राइस बताना मतलब देखिए क्या है कि अड़तीस के वाला जो होगा वो कितना के होगा अड़तीस रुपये वाला जो होगा वो आठ के लेंगे ठीक कितना लेंगे आठ के लेंगे और 43 थ्री के जी वाला कितना लेंगे हम लोग फोर्टी थ्री के जी वाले को लेंगे हम लोग चार के जी ठीक है और उसके बाद कितना बच गया हमारा फोर्टी नाइन के जी वाले को बोला जा रहा है कि फोर्टी नाइन वाले को कितना लेना है हमें तीन के जी लेना है ठीक है तीनों को जब जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने पर भी देखो पंद्रह आता है ठीक है पंद्रह के जी का हमको बनाना भी है तो एवरेज एवरेज निकालना हम लोग के यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा अड़तीस इंटू टोटल कितना आठ प्लस फोर्टी थ्री इंटू के लिख लेंगे फोर प्लस फोर्टी नाइन इंटू कितना हो जाएगा तीन और बटे में क्या कर देंगे टोटल टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा आठ चार बारह तीन पंद्रह हो गया ना पंद्रह आ गया चलिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ जाएगा आपको तीन सौ चार आ जाएगा ठीक है ये कितना आ जाएगा आपको वन सेवेंटी टू हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको वन फोर्टी सेवन हो जाएगा ठीक है बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे पंद्रह ठीक है ये सिक्स ट्वेंटी थ्री हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा ये पंद्रह हो जाएगा

वाई एल रिटर्निंग फॉर हिज होम ही कबर्ड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ टेन आवर पर टेन किलोमीटर पर आवर बट सडनली रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग लेट सो ही इंक्रीज द स्पीड एंड रीज द होम बाय द कवरिंग रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड ऑफ पंकज इन होल होल लेंथ ऑफ द जर्नी ठीक है देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि पंकज जो है पोस्ट ऑफिस गया कौन सी स्पीड से गया सिक्सटी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गया लेकिन जब लौट रहा था अपने घर की तरफ तो आधा दूरी जो है उसने दस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं घर पे लेट बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं घर लेट से पहुँच तो उसने आधी दूरी में अपनी स्पीड बढ़ा दिया स्पीड बढ़ाया कितना कर दिया थर्टी किलोमीटर पर आवर कर दिया तो एवरेज स्पीड बताना है पंकज की ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है कि पंकज का ये क्या हो गया आपको होम हो गया ठीक है और यहाँ से ये चला जा रहा था कहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस ठीक है अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं मान लेता हूँ कितना है डी है कितना है दूरी डी है ठीक है ये जब जा रहा था तो जाते वक्त इसको कितना लगा था यहाँ पे सिक्सटी सॉरी सिक्सटी के जी ने सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है जब वो आधी दूरी तक पहुँचा लौटते वक्त तो यहाँ से यहाँ तक मतलब डी बाई टू डी वाई टू दूरी उसने कितने स्पीड से करी है टेन किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया ठीक है।, है फिर उसके बाद उसको पता चला कि मुझे मैं लेट हो रहा हूँ उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और स्पीड बढ़ा के कितना कर दिया थर्टी किलोमीटर पर आवर तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है इनका एवरेज स्पीड निकालना है ठीक है तो एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हो गे? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन ठीक है टोटल डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा डी तो एक तो ऊपर से जाते वक्त तो उसने जब होम से पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो डी ट्रैवल किया जब लौटा तो डी ट्रैवल किया तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया टू डी ठीक है अब टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन जब ये जा रहा था तो सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो मतलब डी बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे सिक्सटी ठीक है प्लस जब डी बटे टू डी बटे टू मतलब डी बटे में द्वेंटी लिख सकते हैं यहाँ पे दस है तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया और ये भी क्या आधी दूरी है डी बटे में कितना हो जाएगा ये साठ हो जाएगा क्लियर है ना ठीक है यहाँ पर हमने लिख लिया टू डी हो जाएगा और यहाँ पर सब में सब्सियम ले लिया साठ हो जाएगा सबका एल्सियम कितना हो जाएगा यहाँ पे साठ हो गया ये डी हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री डी हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा क्लियर है ये टू डी इंटू कितना लिखेंगे यहाँ पे साठ और तीन दो पाँच डी हो जाएगा डी डी कैंसिल आउट हो गया और ये कितने से चला जाएगा बारह से चला जाएगा ठीक है ये कितना हो जाएगा चौबीस बारह दोनों चौबीस हो जाएगा ना किलोमीटर पर आवर तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है बी क्या जाएगा पे करेक्ट आंसर है ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग हाँ तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर क्या बोला जा रहा टाइपिस्ट टाइप्ड टाइप्ड पेपर्स इन आवर्स द नंबर ऑफ पेपर टाइप पर मिनट बाय एन एवरेज स्पीड बाय एन एवरेज टाइपिस्ट इज देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सौ तेईस टाइपिस्ट नाइन एटी फोर पेजेस को टाइप कर देते हैं कितना वन बटे फिफ्टीन आवर्स में ठीक है तो हमसे पूछा जा रहा है कि पर मिनट में कितना टाइप कर पाएंगे पर मिनट में कितना टाइप कर पाएंगे देखो एवरेज टाइपिस्ट टाइपिस्ट का बता बताना हमें तो पर मिनट में कितना टाइप करूंगा देखो यहाँ पर कितना दे रखा गया वन बटे में फिफ्टीन आवर्स है ठीक है तो इसको अगर हमको मिनट में कवर करना कन्वर्ट करना है तो वन बटे फिफ्टीन इन कितने से गुरा कर देंगे साठ से कितना चौ पंद्रह चौक साठ मिनट ठीक है कितना पेपर टाइप होता है नौ सौ चौरासी नौ सौ चौरासी पेपर टाइप होता है ठीक है कितने लोग टाइप कर रहे हैं वन ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी थ्री वन बटे फिफ्टीन आवर्स मतलब कितना चार मिनट बस बन के तैयार है हमारा तो चलिए अब इसको काटते तो हैं देखते हैं ये हो जाएगा फोर टू ज़ा एट ठीक है और ये जो फोर फोर 16 सिक्सटीन फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर ये कितने से चला जाएगा आपको टू से चला जाएगा कितना हो जाएगा इसका टू आंसर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है से करेक्ट हो जाएगा ठीक सिंपल सा सवाल था ये ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल क्या है द कॉस्ट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर कलर्स पर के जी इज रुपीज ट्वेंटी रुपीज फिफ्टीन एंड रुपीज एटीन रेस्पेक्टिवली महल इज रिनाउंड बिल्डिंग इन विच दीज थ्री कलर्स आर बीज इन द रेशियो ऑफ थ्री इजू टू इस टू फोर द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री कलर्स यूज तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि तीन कलर के कॉस्ट दे रखे गए हैं रेड ग्रीन और ब्लू के जो कि 20 केजी, बीस के जी बीस रुपए प्रति के जी है और एक रुपीज़ फिफ्टीन है और एक रुपीज़ एटीन है ठीक है अब रंग महल को इन तीनों कलर से क्या करना रंगना है कौन से रेशियो में चाहिए होगा हमको थ्री इज टू टू इज टू फोर ठीक है थ्री इज टू टू इस टू फोर था एवरेज कॉस्ट बताना था एवरेज कॉस्ट देखो ऐसे निकल जाएगा एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कौन कितना यूज़ हो रहा है ठीक है तो रेड ट्वेंटी रुपीज़ पर के के जी तो ये कितना तीन भाग यूज़ हो रहा है ठीक है और ये पंद्रह हो जाएगा और कितना ये यूज हो रहा है दो भाग यूज़ हो रहा है रेशियो में है ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में कितना अठारह ये कितना यूज़ हो रहा है आपको चार भाग में यूज़ हो रहा है ठीक है अच्छा अब टोटल कितना है थ्री प्लस टू प्लस फोर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपको साठ हो गया ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा ठीक है और ये कितना हो जाएगा अठारह चौ कितना जगह ज़ुण बहत्तर हो जाएगा ज़ुण ठीक है ये हो जाएगा नाइन ठीक है ना नाइन हो गया ना सात तीन दस छः सोलह कितना हो जाएगा एक सौ बासठ बटे में नाइन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका नाइन एकम नौ नौ अठे बहत्तर कितना हो जाएगा ये अठारह कितना हो जाएगा इसका एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा अठारह रुपीज़ आ जाएगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब अगला सवाल देखते हम लोग हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है राजीव अर्स थ्री बाई टू टाइम्स इन जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर इन एवरेज सिक्स हंड्रेड पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ मंथ्स सो हिज सेविंग्स इन द जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर गोज टू फाइव बाई फोर ऑफ़ द रेस्ट मंथ ईयर ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोला राजीव जो है तीन बटे में दो गुना तीन बटे में दो गुना जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में एवरेज अर्निंग जो है इसकी पर मंथ की छे सौ सौ पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ ठीक है राजीव जो है जो बाकी महीनों में जितना कमाता है एवरेज जो उसका इनकम है रेस्ट मंथ में उसका कितना इनकम है छः सौ रुपए अर्निंग ऑफ रुपीज सिक्स हंड्रेड पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ जो बच गए मंथ हैं जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर को छोड़ के जितने भी मंथ बच गए उसमें छः सौ रुपए वो कमाता उससे थ्री बाई टू टाइम्स किस में कमाता है ये जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में कमाता है ठीक है अब दूसरे में क्या बोला सो हिज सेविंग्स इन द जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर गोज टू फाइव बाई फोर टाइम्स दैट ऑफ द रेस्ट मंथ सेविंग्स दैट इज़ 400 पर मंथ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ पर मंथ इज एवरेज एक्सपेंडिचर यहाँ कुछ हज़ार आपसे ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है हमें यहाँ पे कुछ महीने दे रखे गए जैन हो गया ठीक है फिर एक अप्रैल हो गया फिर उसके बाद क्या हो गया जुलाई हो गया ठीक है फिर उसके बाद क्या हो गया क्या? अक्टूबर हो गया और कुछ एक महीने और बच जाते हैं यहाँ पर एक तो आपको बच जाता कौन सा एक फेब बच जाता है मार्च बच जाता है ठीक है मार्च के मार्च अप्रैल मई बच जाता है ठीक है फिर जून बच जाता है जुलाई अगस्त बच जाता है अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, और यहाँ पर कितना हो गया दिसंबर ठीक है ये कौन सा आपको दिसंबर है इन सब में इसकी कमाई कितनी होती है इनकम अगर देखा जाए तो इन सब में इसकी इनकम कितनी है छ सौ है कितनी इनकम है इस सब में इसकी छः सौ इनकम है ठीक है छः सौ इसमें भी 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 है ठीक है अच्छा जैन अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर में कितना थ्री बाई टू टाइम्स करता है कितना करता है थ्री बाई टू टाइम्स तो छः सौ का थ्री बाई टू टाइम्स कितना हो जाएगा नौ सौ हो जाएगा तो मतलब इसमें भी नौ सौ कमा रहा है इसमें भी नौ सौ कमा रहा है इसमें भी नौ सौ कमा रहा है इतना इसमें नौ सौ कमा रहा है देखिए मैं आपके लिए समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ नहीं तो अदरवाइज एग्जामिनेशन में इतना लिखूंगा नहीं मैं ठीक है आपको भी नहीं लिखना है एग्जामिनेशन बस समझने के लिए अभी मैं इतना लिख रहा हूँ जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में कितना कमा रहा है नौ सौ नौ सौ कमा रहा है ठीक है सो हिज सेविंग इन द जनवरी अप्रैल इज अक्टूबर गोज टू फाइव बाई फोर टाइम्स तो जो इसमें सेविंग करता है इसमें सेविंग ये कितना करता है चार सौ करता है उसका फाइव बाई फोर टाइम्स सेविंग किस में कर रहा है इसमें कर रहा है मतलब कितना सेविंग्स कर ले रहा है यहाँ पे ये पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ और यहाँ पे पाँच सौ कर रहा है ठीक है ये क्या हो गया इसका इनकम हो गया और ये क्या हो गया इसका सेविंग्स हो गया ठीक है क्लियर है यहाँ तक ये भी इसका क्या आपको सेविंग्स ही है ठीक है ये भी क्या है इसका सेविंग्स है चार सौ से चार सौ चार सौ और यहाँ पे भी चार सौ हो जाएगा चार सौ हो गया चार सौ हो गया यहाँ पे भी चार सौ हो जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहे द एवरेज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्या होगा इस मंथ पूरे मंथ का ठीक है तो देखो यहाँ पर कितना का आपको एक्सपेंडिचर uh, हो जा रहा है तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चार सौ और यहाँ पर कितना का एक्सपेंडिचर हो जा रहा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो जा रहा है पाँच सौ का ठीक है तो देख लेते हैं कितने महीने के लिए हो रहा है चार सौ कितना महीना यहाँ पे एक दो तीन चार चार हो जाएगा एक्सपेंडिचर का हमको एवरेज निकालना है ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा पाँच सौ कितने महीने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इंटू एट ठीक है टोटल हमको कितना निकालना है बारह का निकालना है ठीक है ये कितना हो जाएगा सोलह सौ और ये कितना हो जाएगा आपको चार हजार हो जाएगा यही होगा ना आठ पांच चालीस बारह तो कितना हो जाएगा ये फिफ्टी सिक्स

आठवां नंबर सवाल में क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ थ्री प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन फोर्टी सेवन एंड सेवेंटी फोर इज वन नाइन्टी वन बटे में थ्री द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी टू आउट ऑफ द थ्री प्राइम नंबर इज ठीक है देखो क्या बोल रहा है कि तीन प्राइम नंबर जो कि फोर्टी सेवन और सेवेंटी फोर के बीच में लाई करते हैं उनका एवरेज कितना वन नाइन्टी वन बटे में थ्री है ठीक है तो पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस कोई भी दो नंबर में जो कि ये तीन प्राइम नंबर होंगे इनमें से कोई भी दो नंबर में ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर खोज लेते हैं कि फोर्टी सेवन और सेवेंटी फोर के बीच में कौन कौन से हैं तो देखो एक चीज़ देख लो यहाँ पे एक तो आपको पहला नंबर हो गया फोर्टी सेवन एट होगा क्या फोर्टी एट भी नहीं होगा अच्छा फोर्टी सेवन के बाद का कुछ है फोर्टी सेवन और सेवनटी फ़ोर के बीच में अच्छा फोर्टी एट फोर्टी एट भी नहीं होगा फोर्टी नाइन भी नहीं होगा फिफ्टी भी नहीं होगा यहाँ पर कितना हो सकता है आपको फिफ्टी वन भी नहीं होगा फिफ्टी टू भी नहीं होगा मुझे यहाँ पर लिखते चलता हूँ, फोर्टी सेवन है फोर्टी एट है फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स सेवन एट ठीक है फफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री 64, सिक्सटी 66, 67, 68, 69 और यह आ जाएगा आपको सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री और क्या आ जाएगा आपको सेवेंटी फोर अब प्राइम नंबर हमको चाहिए इतना के बीच में हमको प्राइम नंबर चाहिए सेवेंटी फोर भी नहीं लेना हमको और फोर्टी सेवन भी नहीं लेना ठीक है इतना के बीच में को प्राइम नंबर चाहिए ठीक है ठीक है जिनका एवरेज क्या होना चाहिए वन नाइन्टी वन बटे में थ्री होना चाहिए ठीक है तो देखो फोर्टी एट भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा ये फिफ्टी थ्री होगा ठीक है प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है वन और एट से डिविजिबल होना चाहिए बाकी किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो फिफ्टी थ्री क्या हो जाएगा सबसे पहला प्राइम नंबर हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं तो फिफ्टी सेवन भी होगा ये सब ऐसे हैं जो कि सॉरी फिफ्टी सेवन नहीं होगा फिफ्टी सेवन तो थ्री से डिविजिबल है फिफ्टी सेवन नहीं होगा फिफ्टी नाइन होगा ठीक है फिफ्टी नाइन भी डिविजिबल नहीं है किसी से ठीक है सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू भी है सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन नहीं है ठीक है सिक्सटी सेवन भी क्या होगा हमारा प्राइम नंबर होगा ठीक है सिक्सटी एट भी डिविजिबल है सिक्सटी नाइन भी डिविजिबल है सेवेंटी भी डिविजिबल है ठीक है सेवेंटी भी डिविजिबल है।, है, है और उसके बाद आपको सेवेंटी वन डिविजिबल नहीं है किसी से सेवेंटी वन डिविजिबल नहीं है किसी से ठीक है ना अच्छा सिक्सटी सेवन भी हो गया हमारा सिक्सटी वन भी किसी से डिविजिबल नहीं है सिक्सटी वन भी डिविजिबल किसी से नहीं है ठीक है और देखिए और कुछ बच रहा और कोई नहीं बच रहा फिफ्टी थ्री भी डिविजिबल नहीं है फिफ्टी सेवन है डिविजिबल फिफ्टी नाइन डिविजिबल नहीं फिफ्ट सिक्सटी वन है फिर उसका सीधे सिक्सटी सेवन है फिर सेवेंटी वन है ठीक है क्लियर है यहाँ तक एक सेवेंटी वन है ठीक है ना चलिए हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर आ गए हमारे पास प्राइम नंबर आ गए आपको एक फिफ्टी थ्री आ गया फिर उसके बाद फिफ्टी नाइन आ गया फिर इसके बाद सिक्सटी वन हो गया फिर सिक्सटी सेवन हो गया और कौन सा हो गया आपको सेवेंटी वन हो गया ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है पेयर बनाना है ठीक है जिसका एवरेज कितना आना चाहिए वन नाइन्टी वन बटे में थ्री आना चाहिए तो थ्री तो जो टोटल नंबर होगा उससे डिविजिबल होगा तो हमने बेसिकली यहाँ पे देखना क्या है किसका सम यहाँ पर वन नाइन्टी वन आ रहा है कौन से तीन का सम ठीक है तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक सिक्सटी सेवन लेता हूँ और ये छे से बारह सत्रह सत्रह नहीं ये नहीं सेवेंटी वन लेता हूँ मैं एक और ये लेता हूँ सात दिन दस दिन तेरह हाँ एक अठारह ठीक है देखो एक पेयर यहाँ पे बन रहा है कि फिफ्टी थ्री सिक्सटी सेवन प्लस सेवेंटी वन ठीक है इनका अगर एवरेज हम निकालते हैं तीन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा वन नाइन्टी वन बटे में थ्री आ जाएगा ठीक है एक तो हमारा ये पेयर बनता है ठीक है और दूसरा पेयर कौन सा बनता है हमारा दूसरा पेयर बनता है एक बनता है एक बनता हमें आ, एक पेयर बन जाता है सेवेंटी वन प्लस आ, फिर उसका हो जाएगा सिक्सटी वन प्लस फिफ्टी नाइन देखिए तो जोड़ते हैं इसको सात तीन दस तीन तरह पाँच अठारह हाँ इसका भी एक पेयर बन जाता है तीन कितना आ जाएगा वन नाइन्टी वन बटे में थ्री हमने क्या निकालना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर कितना हो जाएगा डिफरेंस है उसमें सेवेंटी वन और फिफ्टी थ्री का डिफ्रेंस निकालेंगे यही है सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट तभी हो सकता पॉसिबल डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आठ और एक पाँच छः अठारह हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस ठीक है यहाँ पे निकालते ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस फिफ्टी नाइन सेवेंटी वन ये हो जाएगा आपको बारह नहीं हाँ बारह हो जाएगा ठीक है ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है बारह मतलब अठारह क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा है बारह और अठारह में तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है बढ़ते हैं चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं हाँ तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल क्या है द एवरेज ऑफ नाइन नंबर्स इज इलेवन इफ ईच ऑफ दीज नाइन नंबर्स इज मल्टीप्लाइड एंड देन इज एडेड टू ईच ऑफ दीज रिजल्टेंट नंबर्स देन द न्यू एवरेज ईच ठीक है तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि नौ नंबर हैं जिनका एवरेज कितना है इलेवन है ठीक है इलेवन है अब क्या बोल रहा है कि अगर ईच नंबर को दीज नंबर जो भी इसमें नौ नंबर है ना उनको पाँच से क्या कर दिया गया गुना कर दिया गया ईच नंबर को क्या कर दिया गया पाँच से गुना कर दिया गया ठीक है अब जब पाँच नंबर से इन तीनों को गुना पाँच नौ नंबर को पाँच से जब गुना किया गया और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सब में एंड देन फाइव इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सब में कितना जोड़ दिया गया पाँच जोड़ दिया गया तो न्यू एवरेज बताना है ठीक है देखो इसका शॉर्टकट भी है सबसे आसान तरीका है बना बनाने का ठीक है पहले मैं आपको लॉन्ग कट से बता देता हूँ फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको देखो यहाँ पर क्या बोला नौ नंबर बोल रहा था अगर मैं नौ नंबर अगर मैं लेता हूँ तो नौ नंबर का एवरेज कितना बोल रहा है आपको इलेवन है तो अगर मैं नौ नंबर अगर मान के चलता हूँ ए है बी है सी है फिर डी है फिर ई e है ठीक है फिर एफ जी सॉरी प्लस हो गए यहाँ पर एच कितने के तीन छः आई तक जाएगा ठीक है इन सबका एवरेज नौ नंबर मैंने मान लिया है इन सब का एवरेज कितना आपको ग्यारह है कितना एवरेज है ग्यारह ठीक है ठीके? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें बोल कह रहा है आपको कि सब में हमने क्या करना पांच से सबको गुना कर देंगे ठीक है तो देखो अगर मैं इसमें बोलूँ टोटल नंबर कितना हो जाएगा तो अच्छा ठीक है ये हमारे पास नंबर है सारे ठीक है तो ये इनका इलेवन है ठीक है टोटल सम कितना हो जाएगा इनका इनका तो, टोटल सम अगर मैं निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मैं इतना लिखता नहीं हूँ प्लस आई इनका टोटल सम कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन हो जाएगा क्लियर है ना अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ अगर इसी में बोल के आ रहा है कि सबको पाँच से गुना करना सबको पाँच से गुना करना तो यहाँ पर कितना लिख लूँगा फाइव ए फाइव बी प्लस फाइव सी प्लस फाइव डी प्लस फाइव ई प्लस फाइव एफ प्लस फाइव जी प्लस फाइव एच प्लस फाइव आई ठीक है सबको पाँच से क्या कर दिया गुना कर दिया गुना करने के बाद क्या बोल रहा था कि सब में पाँच जोड़ना भी है सब में अगर मैं पाँच जोड़ता हूँ तो कितना बार हो सकता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मतलब सब में पाँच बार जोड़ना सबके मैं कॉमन आउट कर लूँ तो नौ बटे में पाँच लिख सकता हूँ ठीक है अब इन सब का क्या निकालना मुझे एवरेज निकालना सबको कितने से करना पड़ेगा डिवाइड फिर से नौ से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर मैं पाँच सब तो में से कॉमन ले लूँ तो फाइव इंटू मैं कितना लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा आपको आई तक चला जाएगा प्लस नाइन इंटू फाइव हो गया और बटे में कितना 9 आ जाएगा आपको नाइन आ जाएगा ठीक है तो पाँच ठीक है ए बी सी का तक का सम कितना है आपको निन्यानवे है ना तो नाइन्टी नाइन लिख लिया और प्लस नाइन इंटू फाइव हो गया ठीक है और नीचे में क्या है नाइन है हमारा तो नाइन यहाँ पर आ गया हो जाएगा तो तो सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक ठीक है ये तो हो गया भैया लॉन्ग कट का लॉन्ग कट नहीं जाना हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि एवरेज कितना है ग्यारह है ना ग्यारह अब सब में क्या बोल रहा है ना कि पाँच से क्या करना है गुना करना सब में पाँच से गुना करना मतलब ग्यारह जो एवरेज सब में क्या करना पड़ेगा पाँच से गुना कर लेना पड़ेगा फिर उसके बाद क्या बोलो सब में पाँच जोड़ दो पाँच हमने क्या कर देना जोड़ देना तो कितना आ जाएगा तो ये पचपन प्लस पाँच कितना आ जाएगा ये साठ तो शॉर्टकट आपका यही हो गया शॉर्टकट ऐसे करके शॉर्टकट यहाँ से आप इतना करने का जरूरत नहीं है ठीक है इतना करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट करके इस क्वेश्चन को भी हल किया जा सकता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है शॉर्टकट से ही हल करना है ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया इतना सारा ठीक है ऐसे करके इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं लेकिन ये शॉर्टकट से ही आप इस क्वेश्चन को कभी भी हल करना ठीक है इतना नहीं करने की जरूरत है क्लियर है चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है चलिए देख लेते हैं ये सवाल क्या है द एवरेज स्कोर ऑफ़ धोनी आफ्टर फोर्टी एट इनिंग्स इज फोर्टी एट एंड इन द फोर्टी नाइन्थ इनिंग्स धोनी स्कोर नाइन्टी सेवन रन्स इन द फिफ्टी फिफ्टी इनिंग्स द मिनिमम नंबर ऑफ रन रिक्वायर टू इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाई टू देन इट वॉज बिफोर द फिफ्टी इनिंग्स ठीक है देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि धोनी का जो अड़तालीस इनिंग का एवरेज है वो कितना अड़तालीस है मतलब फोर्टी एट इनिंग में उसका एवरेज कितना फोर्टी एट है ठीक है लेकिन फोर्टी नाइन्थ इनिंग में उसने कितना स्कोर किया नाइन्टी सेवन रन स्कोर कर लिया तो वो फिफ्टीत इनिंग में कम से कम उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज जो है दो से बढ़ जाए फिफ्टी इनिंग में समझ गए सवाल को कि पचासवें इनिंग में उसको कितने कम से कम रन बनाने पड़ेंगे कि उसका जो एवरेज है पचासवें इनिंग में कितना हो जाए दो से बढ़ जाए ठीक है चलिए देखिए सवाल को कैसे हल करना है देखो फोर्टी एट इनिंग्स के फोर्टी एट इनिंग्स के एवरेज कितना आपको फोर्टी एट ही है तो टोटल रन कितना हो जाएगा टोटल रन में बोल सकता हूँ टोटल रन उसका फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट यही होगा ना फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट ठीक है अब उसने क्या किया धोनी ने क्या किया कि 97 रन और उसने बना दिए 97 रन उसने बना दिए कितने 48, eh, में 48 एट फोर्टी इनिंग में ठीक है तो अब उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे 48 एट इंटू प्लस में क्या कर लेंगे 97 ये कौन सी इनिंग की बात हो रही है फोर्टी इनिंग की बात हो रही है अब बोल रहा है कि फिफ्टी इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज जो है अभी तो इसका एवरेज कितना है इसका एवरेज बटे में फोर्टी नाइन्थ एवरेज जो है वो दो से बढ़ जाए मतलब ये जो एवरेज है वो दो से बढ़ जाना चाहिए कितने से बढ़ जाना चाहिए दो से बढ़ जाना चाहिए तो उसको कितने रन बनाने होंगे तो मतलब फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट प्लस में कितना हो जाएगा आपको नाइनटी सेवन और उसको कितने रन बनाने आर रन बनाने और बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे फिफ्टी कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फिफ्टी लिख लेंगे क्लियर है यहाँ तक समझ गए इक्वेशन मेरा बन के तैयार है हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हाँ एक काम करते हैं ये इतना पार्ट इधर लेकर आ जाते हैं इसको इतना लिख सकते हो फर्टी एट का स्क्वायर प्लस नाइन्टी सेवन बटे में फोर्टी नाइन ठीक है इस चीज़ को यहाँ पे मैं लेते तो माइनस कितना लिख सकते हैं फोर्टी एट का स्क्वायर ठीक है यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं प्लस नाइन्टी सेवन बटे में कितना लिख लिया हम लोगों ने फिफ्टी प्लस में कितना लिख लिया टू इज इक्वल टू आर बटे में फिफ्टी क्लियर है अब देखिए अब एक काम करते हैं यहाँ पे फोर्टी एट स्क्वायर ये भी ऐसे ही है ऊपर तो वाले को बाहर निकाल लेते ये हो जाएगा फोर्टी एट का स्क्वायर प्लस नाइन्टी सेवन ठीक है नीचे में ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे लिख सकते हैं वन बटे में फोर्टी नाइन माइनस वन बटे में फिफ्टी प्लस टू इज इक्वल टू आर बटे में फिफ्टी क्लियर है अच्छा इसको और ऐसे लिखा जा सकता फोर्टी एट का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे प्लस नाइन्टी सेवन ठीक है यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका एल सी हम लगेगा तो फिफ्टी इधर आ जाएगा फोर्टी नाइन इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं इतना लिख लूँ वन बटे में फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी क्लियर है ना यहाँ तक अच्छा ये प्लस टू लिख लिया हमने आर बटे में क्या लिख लिया यहाँ पे फिफ्टी लिख लिया ठीक है अच्छा अब यहाँ पे इसको चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपको फोर्टी एट का स्क्वायर फोर्टी एट का स्क्वायर करना ये आ जाएगा टू थ्री जीरो फोर प्लस नाइन्टी सेवन ठीक है अब बटे में हो जाएगा आपको फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी ठीक है प्लस टू इक्वल टू आर बटे में फिफ्टी क्लियर है यहाँ तक अच्छा इन सबको जोड़ दो सात चार ग्यारह हो जाओ नौ एक दस हो जाओ मतलब टू फोर ज़ीरो वन बटे में कितना लिख लेंगे फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी अब ये जो फिफ्टी इसको इधर लेते आते इसको ये पचास से गुना कर लेंगे और यहाँ पर कितना लिख लेंगे सौ इजिक्वल टू आर ये पचास पचास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर फोर्टी नाइन का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है आप ध्यान से देखिएगा टू फोर जीरो वन क्या फोर्टी नाइन का स्क्वायर है यहाँ पर कितना लिख लेंगे फोटी नाइन प्लस तो बराबर कितना हो जाएगा उसको वन फोर्टी मतलब फिफ्टी एथ इनिंग में कितना उसको कम से कम रन बनाना पड़ेगा वन फोर्टी नाइन रन बनाना पड़ेगा जिससे कि उसका एवरेज जो हो कितने से बढ़ जाए दो से बढ़ जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है फ्रेंड्स तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी को चाहिए था कि एवरेज के मैं शुरू करूं जल्दी ही तो मैंने एवरेज शुरू कर दिया है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जैसा हो सकता है जिसमें शॉर्टकट की ज़रूरत होगी पक्का मैं वहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को और भी अच्छा आपके सामने बना के प्रस्तुत कर सको जिससे आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ जाए ठीक है लेकिन आप कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़ पक्का से पक्का आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ठीक है और अगर आप इस चैनल पर नए थे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों और एट लास्ट फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो